सो हे गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। अभी दोपहर के बज रहे हैं, 11:30 बजने वाले हैं तकरीबन। और आज है छोटी दिवाली, साथ में है रितिया जी का बर्थडे, तो कुछ धमाकेदार सेलिब्रेशन करेंगे आज। फिलहाल खाना वाना खा लिया है मैंने सुबह का, तो अभी प्लानिंग ऐसी है कि हम जाएंगे पटियाला मूवी देखने के लिए, कुछ सेलिब्रेशन हो जाएगा और साथ में देखते हैं शायद मम्मी और स्नेहा भी जाएं। बाकी की प्लानिंग आपको पता लग जाएगी थोड़ी ही देर में। सो फाइनली दोस्तों, मैं हो चुका हूँ रेडी और अभी टाइम हुआ है 11:40। तो अभी गाड़ी वगैरह लेके आता हूँ मैं, थोड़ी साफ वगैरह कर लेंगे और साफ सुफ करने के बाद फिर चलते हैं पटियाला। A few moments later. तो फाइनली दोस्तों, गाड़ी वगैरह मैं ले आया हूँ और मम्मी जी भी रेडी हो चुकी हैं, स्नेहा भी रेडी हो चुकी है, रितिका भी रेडी हो चुकी है। अभी थोड़ी देर में हम चलेंगे पटियाला मैक्स मॉल, मूवी टिक्स मैंने बुक कर ली हैं। तो फिलहाल अभी गाड़ी वगैरह जो मैंने साफ वगैरह कर दी थी, तो फिलहाल अभी थोड़ी देर में निकलते हैं। 5 minutes later. सो फाइनली दोस्तों, तैयार होके अभी हम जाने की तैयारी में बैठे हैं और मैं हूँ, रितिका जी हैं, मम्मी हैं और फिलहाल स्नेहा भी आने वाली है थोड़ी देर में। तो स्नेहा आते ही हम चले जाएंगे यहाँ से मैक्स मॉल। सो फाइनली दोस्तों, हम निकल चुके हैं अपने शहर से और पटियाला काफ़ी दूर है, थोड़ी ही देर में पहुँच जाएंगे। सो फाइनली दोस्तों, हम पटियाला के अंदर एंटर कर चुके हैं। बर्थडे गर्ल आपके सामने बैठी हुई है और फिलहाल यहाँ पे हम खड़े हैं ट्रैफिक लाइट के अंदर और यहाँ पे चल रही है सेकंड है, तो वेटिंग कर रहे हैं। मैंने सोचा आपको बता देते हैं, थोड़ी ही देर में हम मैक्स मॉल के अंदर पहुंच जाएंगे और उसके बाद मूवी स्टार्ट हो जाएगी। अभी बज चुके हैं 1:35 और हमें 1:45 पे नेट पहुंचना है वहां पे। तो इतना कुछ मैंने आपको एक लाइन के अंदर बोल दिया, तो मिलते हैं थोड़ी ही देर में। ये रहा हमारा मैक्स मॉल। It's so hard to open my eyes. I'm blind to the light from the sky. So finally पहुंच चुके हैं, अभी मूवी सेंटर जाना है और थोड़ी ही देर में स्टार्ट होने वाली है। So अभी इसके ऊपर चढ़ेंगे हम, जल्दी आ। रितिका जी पहली बार चढ़ी हैं इसके ऊपर, इसलिए ऐसा हो रहा है। अच्छा, तो फिलहाल अभी हम पहुंच चुके हैं मूवी सेंटर के अंदर, लाइन लंबी है काफ़ी। सो मूवी सेंटर के अंदर हम पहुंच चुके हैं, सीन ऐसे है आगे का और यहाँ का। तो फिलहाल अभी हम अंदर जाएंगे, थोड़ा सा लेट हो चुके हैं, 1:52 हो चुका है, 10 मिनट फालतू हो चुके हैं। हम निकल चुके हैं बाहर और अभी हमें खाने वगैरह की प्लानिंग है, तो देखते हैं कुछ मिलेगा तो थोड़ी देर में हम खा फिर के फिर घर को। A few moments later. It's so hard to open my eyes. I'm blind to the light from the sky. I'm dealing with things I can't write. And all of you know it's been no. So guys, अभी मैं आया हूँ कैफे के अंदर और मम्मी जी यहाँ पे बैठी है, भूख से मरी हुई, भूख लग रही है ना, सनैन को भी भूख लग रही है, रितिका जी तो खुश हो रही है फिल्म देख के, भूख नहीं लग रही इनको, कितनी फिल्म अच्छी थी, भूख की गया लोडा। तो थोड़ी देर में ऑर्डर आ जाएगा, उसके बाद आपसे मिलते हैं। सो फाइनली दोस्तों, हमारा यहाँ पे आ चुका है कोरियन पिज़्ज़ा विद कैप्सिकम और 4 कोल्ड कॉफ़ी। तो अभी करते हैं शुरू खाना, फिर मिलते हैं थोड़ी ही देर में। सो पिज़्ज़ा वगैरह हमने खा लिया है, अभी वेटिंग चल रही है लिफ्ट की और थोड़ी देर में लिफ्ट वगैरह आ जाएगी, उसके बाद जाएंगे हम घर पे। तो उससे पहले कुछ खा लेंगे रोटी वगैरह, तो देखते हैं। 5 minutes later. तो फाइनली दोस्तों, अभी हम निकल चुके हैं घर की तरफ और तकरीबन थोड़ी ही देर में हम पहुंच जाएंगे घर पे। घर पे जाने के बाद देखते हैं क्या सीन बनेगा। बाकी मैं अभी ड्राइविंग कर रहा हूं, तो इसलिए मैंने सोचा बता देता हूं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि ड्राइविंग इज फर्स्ट सिक्योरिटी। और मिलते हैं थोड़ी ही देर में। A few moments later. Finally, दोस्तों हम पहुंच चुके हैं घर पे बहुत ही अच्छे तरीके से और रितिका जी को यहाँ पे अपने गिफ्ट भी मिल चुके हैं। वैसे तो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर लगाया था, लेकिन
आ चुके हैं पूरे प्रॉपर टाइम पे, मेरे को पता था इसलिए मैंने पहले ही ऑर्डर लगा दिया था। 5 minutes later. अभी इसको जादू दिखाएगा बे इसमें। 1 2 3 ऊपर आ गया। लाइट बंद करो। सो फाइनल दोस्तों, अब आ चुका हूँ मैं गाड़ी के अंदर। गाड़ी को करते हैं हम पार्क, पार्किंग के अंदर, और साथ में आते वक्त ले आएंगे केक और कुछ खाने के लिए। सो गाइस, गाड़ी वगैरह मैंने पार्क कर दी है, तो अभी हम जा रहे हैं शॉप पे। शॉप पे जाने के बाद फिर हम जाएंगे बेकरी पे, बेकरी पे जाने के केक वगैरह ले लेंगे, और केक ले के फिर घर पे देखते हैं आज धमाकेदार होगा सेलिब्रेशन। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो बर्थडे गर्ल बैठ गई है। हैप्पी बर्थडे। क्या ओ टोपी तो लाना भूल गए। ओ टोपी, टोपी पकड़ी में, फोन पकड़। सो फाइनली दोस्तों, केक वगैरह कटिंग वगैरह कर दिया है, और अभी बजे हैं रात के 11, तो तकरीबन मम्मी सो गई है, सारे सोने वाले हैं, और सोने का टाइम भी हो चुका है। केक वगैरह कटिंग कर लिया था, आज सारा दिन घूमे बाहर, मूवी वगैरह देख के आए, और बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। बाकी ये ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी वीडियो पसंद आया तो वीडियो या ब्लॉग पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैं फिर मिलूंगा ऐसे ही नदर ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।